गया है जिसे हम कहते हैं व्यवस्थायिक कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिक मतलब का है संसद, ये देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका देश का शासन चलाती है और न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षा करती है। केंद्र में संसद की तरह राज्यों में भी अपना संविधान मंडल होते हैं। इसके अलावा 3 स्तरों पर पंचायत की व्यवस्था की गई है। ये 3 पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा और 3 स्तरों की पंचायत के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत अपने अपने स्तर पर विकास के काम करती है। जो पंचायत होती है वो अपने अपने स्तर पर विकास में काम करती है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, मतलब लोकतंत्र किसे कहते हैं, चुनाव में मत देने का अधिकार, लोकतंत्र की प्रशंसा, शासन प्रणाली, ग्रामीण व नगरीय लोक शासन। फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब भारत लोकतंत्र और शासन प्रणाली। आपको पता है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या होता है, किसे कहते हैं, भारत में लोकतंत्र और शासन प्रणाली क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। आज़ादी से पहले हमारा देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आज़ादी के बाद सब संगठित कर दिया गया, देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा शासन जो जनता द्वारा जनता के लिए जनता चलाती है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हमने सरकार चलाने के लिए बहुत से नियम और कानून बनाए हैं, उसे संविधान कहते हैं। ये संविधान 26 जनवरी 1950 पर चलाया जाता है। ऐसे देश का पूरा ढांचा नागरिकों मताधिकार पर टिका होता है। इसके एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जा सकता है कि एक ओर तो लोग अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, दूसरी ओर मिले हुए अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रजातंत्र में नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी इच्छा से बिना किसी प्रलोभन अथवा दबाव के मतदान करें। अभी तक बहुत से लोग इस अधिकार के लिए प्रति उदासीन रहे हैं, इसीलिए हम देश में मतदान का औसत बहुत कम रहता है। अचंभे की बात है यह कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। लोकतंत्र में एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय मतदाता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता के लिए मतदाता सूची का नाम दर्ज करवाना आवश्यक है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर केंद्रीय सरकार है। भारत के राज्यों को अलग अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं है, इसीलिए हमारी नागरिकता एक हरी है। हमें भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। हर भारतीय को एक जैसा नागरिक अधिकार प्राप्त है, वह चाहे किसी भी राज्य में रहता हो। केंद्रीय सरकार के काम 3 भागों में बांटे गए हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, देश के लिए कानून बनाना और उन कानून को लागू करवाना और कानून की समीक्षा करना। इन्हें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका अर्थात संसद। संसद देश के लिए कानून बनाती है। हमारे संसद के 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दोनों सदनों द्वारा पारित कानून राष्ट्रपति किए जाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मिस्टर रामनाथ कोविंद और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया है मिस्टर एम वेंकैया नायडू। चलिए अब हम पढ़ते हैं लोकसभा वर्सेस राज्यसभा।
लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। लोकसभा का चुनाव सीधे देश की जनता करती है। हमारे देश में 18 साल और उससे ऊपर की आयु के उन सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज और चुनाव आयोग अपनी देख रेख में लोकसभा के चुनाव करवाता है। लोकसभा में अधिकतम 545 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा के 2 सदस्य अधिवेशनों में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। लोकसभा जिस दल का बहुमत होता है उसी का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है, वह अपनी सरकार बनाता है। यदि एक दल का बहुमत हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग लेना पड़ता है। इस हालात में गठबंधन की सरकार बनती है। जिस नेता को अधिक संसदों का सहयोग मिलता है वह प्रधानमंत्री बनता है। राज्यसभा का सदस्य होना अथवा संसद सदस्य नहीं होने पर भी दल का नेता चुने जाने वाले ही प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनने पर 6 माह के भीतर ही उसके लिए किसी एक सदन का सदस्य बनाना जरूरी होता है। ये गठबंधन में आए दलों को मंत्रिमंडल बनाता है। गठबंधन की मंत्री परिषद देश पर शासन करती है। जो दल सरकार बनाते हैं वे सत्ता पक्ष कहलाते हैं। जिन दलों के सांसद सरकार नहीं होते वे विपक्षी दल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा के लिए सदस्य राज्यों के विधायकों को द्वारा चुने जाते हैं। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राज्यसभा के सदस्य भी सांसद कहलाते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होती है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। इनमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा निरंतर अस्तित्व में रहने वाले सदन हैं। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है हमारा द एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी मिलकर कार्यपालिका कहलाते हैं। देश का पूरा शासन कार्यपालिका द्वारा चलाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हर गणतंत्र होने के कारण सरकार का सारा कामकाज राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। सरकार के सभी अधिकारी उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के सारे नियम राष्ट्रपति के नाम पर ही बनते हैं, परंतु राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। व्यवहार में इन सारे अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल द्वारा उसके समस्त शक्तियों को लागू करवाता है। नेक्स्ट हमारा न्यायपालिका। देश के संविधान और कानूनों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर होता है। उच्चतम न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है। इसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। उसका कोई भी फैसला देश के सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेडरल गवर्नेंस, मतलब संघीय शासन। हमारे देश में एक संघीय शासन की व्यवस्था की गई है। संविधान में केंद्र तथा राज्य में संसदीय तरीके से सरकार बनाने के नियम दिए गए हैं। केंद्र सरकार को शासन चलाने में राज्य शासन प्रणाली सहयोग करती है। राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। लोकसभा का भांति विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा की भांति विधान परिषद 6 वर्ष के लिए गठित होती है। देश के कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। संविधान में केंद्र और राज्यों को अलग अलग शक्ति दी है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद की जगह राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा का प्रावधान है। न्यायिका के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त है
जो सुप्रीम कोर्ट को हो, राज्यों में भी केंद्र की ही तरह अपनी सीमा में सारा राजकाज चलाया जाता है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों को नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हैं। कुछ मामलों में दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोनों के कानून में टकराव होने पर केंद्र के कानून को माना जाता है। राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कभी भी उसे पद से हटा सकता है। राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि स्थायी सरकार बनाए रखे।